नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कटनी पुलिस ने किया वाहन चोरी का खुलासा। कटनी पुलिस ने 3 आरोपियों से चोरी के 28 वाहन की जब्त, वाहनों की कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी। मध्य प्रदेश के कटनी SP सुनील कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पर्दाफाश करते हुए आरोपियों से 28 वाहन जब्त किए हैं। SP सुनील जैन के मुताबिक कटनी पुलिस ने रीवा, सीधी, पन्ना समेत कटनी से सभी वाहन जब्त किए हैं, जिसका मुख्य सरगना रीवा का सुनील साकेत है, जो कटनी के 2 आरोपियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। बताया जा रहा है कि रीवा का सुनील साकेत अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वाहन की रैकिंग कर उसे चोरी कर अलग अलग स्थान में रखा करता था, जिसके बाद उन वाहनों को पैसों की जरूरत बताकर कम पैसों में गिरवी रखने व बेच दिया करता था। SP सुनील जैन ने बताया कि प्रेस वार्ता कर मीडिया के सवालों पर कि कुठला समेत अन्य थानों में लगातार वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद कुठला TI के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज खंगाले, जिस पर पुलिस ने रेकी करने वालों से लेकर एक अन्य आरोपी की शिनाख्त कर आरोपी सोनू साहू और दीपक कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की, जिसने गुनाह कबूल करने के साथ ही मामले का खुलासा किया है, जिसके बाद कुठला पुलिस ने रीवा, सीधी समेत कटनी के कई स्थानों में दबिश देते हुए 28 वाहन जब्त किए हैं। तो वहीं चोरी किए गए मोटरसाइकिल वापस मिलने पर वाहन मालिकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट कटनी। कब गाड़ी चोरी हुई थी आपकी? 20 तारीख को साईं मंदिर कॉलोनी से चोरी हुई थी। रात्रि करीब 2 बजे करीब चोरी हुई। इसके बाद मैं 5-1 बजे आया थाने और रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद पुलिस वाले ने बताया कि गाड़ी आपकी मिल गई है, तो मैं कुल्ला थाने आया। उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, उसी कंडीशन में। कितने समय पहले हुई थी गाड़ी? कितने दिनों पहले? 1 हफ्ते पहले। क्या नाम है आपका? लखनलाल यादव। हाँ, रहते हैं आप साईं मंदिर कॉलोनी में। थाना प्रभारी कुठला एवं उनकी टीम को द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। 28 इसमें मोटरसाइकिल, जिसमें 2 स्कूटी भी शामिल हैं, उनको बरामद करने में सफलता कटनी पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो घटना थी, मुख्य जो इसका गैंग का सरगना था, वो रीवा जिले का रहने वाला था, और उसकी जब उसके द्वारा यहाँ पे एक गाड़ी लिफ्ट की गई, लिफ्ट करने पर हम लोगों ने पाया, जब हमने वीडियो फुटेज देखे तो उस आरोपी की पहचान हुई, और जब उस आरोपी की पहचान हुई तब हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करना प्रारंभ किया, और जब हमने उस आरोपी से पूछताछ की गई तो पूछताछ में इतनी बड़ी वारदातों को सम्मिलित होना पाया गया। इसमें कुल टोटल 3 आरोपी हैं, 2 कटनी जिले के हैं जो उसके सहयोगी थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, और 3 और 1 वो रीवा का। गाड़ी कहाँ छुपा के रखी थी? गाड़ियाँ इन्होंने कुछ कटनी में भी मिली हैं, और कुछ हमको ज़्यादातर गाड़ियाँ रीवा, सीधी, इन जिलों में। प्रदेश के बाहर भी गाड़ी सप्लाई करते थे? अभी प्रदेश के बाहर का तो अभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि प्रदेश के बाहर भी अगर इन्होंने गाड़ियां बेची होंगी तो उस संबंध में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी इन्होंने चोरी की वारदात की है? अन्य जिलों के लिए हमने पुलिस को बता दिया है कि भाई वो आए और पूछताछ करें, पर लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर कोतवाली, कुठला, रीठी, ये 3 थानों का उन्होंने स्वीकार किया है कि इन थानों से उन्होंने गाड़ियां चोरी। सर, इन्हें गाड़ी चोरों से बरामद हुई है कि कोई उनका खरीदार भी रहा? नहीं नहीं, गाड़ी तो अब देखिए चोर की निशादेही के ऊपर ही बरामद हुई है। ये क्या करते थे, इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि गाड़ी यहाँ से चुराई, दीवा में जाके, सीधी में जाके वो ये कहते थे कि मुझे 5,000 की जरूरत है, आप पैसे ले ली, 5,000 दे दीजिए, गाड़ी के कागज बाद में हम ट्रांसफर करवा लेंगे, और ये कहकर उनको, गरीब जो वहाँ के लोग थे उनको वो बेवकूफ बनाते थे। अब इसके अंदर और हम लोग अभी विवेचना हमारी जारी है, क्योंकि विवेचना थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग विवेचना। आरोपी के घर से भी गाड़ी बरामद हुई है क्या? हाँ, आरोपी के घर से भी। सर, पहले से ये अपराध में लिप्त थे? हाँ, इनका पुराना भी रिकॉर्ड पाया गया।
इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।